हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी टॉपिक के बारे में, एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसको बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं और अक्सर 24 घंटे करते हैं। और ये बीमारी जो है ये है ओवर थिंकिंग का। जी हाँ, ओवर थिंकिंग, जो हम हमेशा सोचते रहते हैं कि अगर मेरी लाइफ में ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, अगर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ यही क्यों होता है, ये सब, मैं कब आगे बढ़ पाऊँगा, मैं, मुझे क्यों नहीं सक्सेस मिल रहा है, मेरे पास्ट क्यों ख़राब है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अक्सर लोग सोचते रहते हैं और ड्रिफ्ट होते रहते हैं। दिन भर खुद को परेशान करते हैं, कभी पास्ट में रहते हैं, कभी फ्यूचर में रहते हैं और खुद को कोसते रहते हैं, और उनको पता भी नहीं होता कि ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं और दिन भर ये सोच रहे हैं, और इस तरीके से उनका दिनचर्या चलता रहता है और वो अपना समय काटते हैं और एट दी एंड बस मौत का इंतज़ार और ख़त्म। ओवर थिंकिंग अगर आपको है और आपको उसे हटाना है तो मेरे दोस्तों, आप सबने भगवद गीता पढ़ा होगा, उसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब अर्जुन उनसे पूछता है कि मैं इतना ओवर थिंकिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं एक, मतलब मैं अर्जुन होकर भी अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये आम आदमी कैसे करेंगे कंट्रोल खुद के माइंड पे। तो मेरे दोस्तों, मुझे ये कहना है कि ओवर थिंकिंग आप प्रैक्टिस करके आप ख़त्म कर सकते हैं। प्रैक्टिस इन द सेंस कि आप सपोज किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो आप या तो उसे लिख लो कि हाँ, कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जॉब अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी में रहता तो कैसा होता, आप उसको लिखो, आप उसके बारे में सोचो और ये सोचो कि क्या उसका कुछ बेनिफिट है या डिमेरिट है, क्या फ़ायदा हो रहा है आपको उससे। देखिए, सोचना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओवर थिंकिंग करना एक प्रॉब्लम है। तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है और हमेशा ये फोकस करना है कि आप खुद को प्रेजेंट में रखें, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में रहकर मोमेंट को एंजॉय करोगे, आज आप जो प्रेजेंट में कर रहे हैं वही जाकर फ्यूचर में होने वाला है। तो आपको इस तरीके से ही सोचना है और खुद को प्रेजेंट मोमेंट में लाना है। आप अगर जो भी करते हैं, जैसे कि अगर आप खाना खाते हैं तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहो, आप अगर कोई चीज़ एंजॉय कर रहे हो तो प्रेजेंट मोमेंट में, कोई काम कर रहे हो तो दिल से करो, प्रेजेंट मोमेंट में रह के करो। आप अपना एक थॉट एनालिसिस बना सकते हैं, जैसे कि IESM, इंटेलिजेंस के थॉट्स आप लिखो, इमोशनल के थॉट्स आप लिखो, सेक्स के थॉट्स लिखो, मोटर के थॉट्स लिखो, और दिन भर में आप खुद को ऐसे 20 बार चेक करो कि आप अभी कौन से सेंटर में हो। अगर आपको थॉट आ रहे हैं कि हाँ, मुझे इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, तो आप वो थॉट लिखो। अगर आपको इमोशनल थॉट्स आ रहे हैं, जैसे कि गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दिया या फिर गर्लफ्रेंड आपको धोखा दे सकती है या फिर शादी से आपको डर लगता है या ऐसी चीज़ें, आप इमोशनल थॉट्स में लिखो। और सेक्स सेंटर, जब सपोज आपको सेक्स इन द सेंस, अगर आपको सिगरेट पीने का मन हो रहा है या दारू पीने का या फिर सेक्स करने का मन हो रहा है, तो आप वो सेक्स सेंटर में लिखो। इससे आपको ये पता होगा, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे कि हाँ, मैं अभी ये सोच रहा हूँ। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे और हर 14 दिन में आप इसको एनालाइज करो कि आपका ज़्यादातर समय आप क्या सोचते हो, किस चीज़ में रहते हो, इस तरीके से आप खुद को, आपके थॉट्स को और रिफाइन कर पाएंगे। और प्रेजेंट मोमेंट में ही रहकर आप सक्सेस पा सकते हैं। अगर आप फ्यूचर या पास्ट में रहेंगे तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो मुझे यही बोलना था दोस्तों कि ओवर थिंकिंग ना करें। ओवर थिंकिंग जब हो उसको अवॉइड करें। आई नो कि हमें रियलाइज़ नहीं होता, बट आप अगर इस तरीके से थॉट्स लिखेंगे तो आपको
एक तरीके से प्रैक्टिस करोगे और बाय प्रैक्टिस यू कैन इम्प्रूव योर थिंकिंग। थैंक यू।